ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं एम्स हॉस्पिटल आई हूँ और अभी तो काफ़ी दिन तक लगा ही रहेगा जब तक मैं अच्छे से ठीक नहीं हो जाऊँ। हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर बोल ना दे कि हाँ मैं ठीक हूँ, तब तक तो देखिए मुझे बीच बीच में आना ही पड़ेगा। और जैसे कि लास्ट वीडियो में बताई कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ठीक होना चाहेंगे तो ठीक हो सकती हैं, इतना मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक नहीं होना चाहेंगी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मन में हैं जो कि आप नहीं निकाल पा रही हैं, जिसके कारण कुछ भी खा रही हैं, दवाई ले रही हैं तो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो आपका इंडोस्कोपी होगा। अगर आप नहीं चाहती हैं कि ये सब टेस्ट हो और जल्द से जल्द आप ठीक होना चाह रही हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए अपने लिए जो मतलब आपके लिए अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। तो मुझे देखिए अचानक याद आया कि मैं काफ़ी 3-4 महीने से, मतलब महीने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे तो हॉस्पिटल के चक्कर मुझे लगते ही हैं, क्योंकि देखिए एक तो मैं पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का जो जांच हो रही है वो डिपार्टमेंट मेडिसिन होता है उसमें जा रही हूँ मैं, दिल्ली के एम्स में। और फिर उन्होंने मुझे एक मतलब गायनी में डिपार्टमेंट भेज दिया कि डिलीवरी के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो हो सकता है उसके कारण मतलब हीमोग्लोबिन की कमी आई हो, और लॉन्ग टाइम शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया की शिकायत होती है। तो एक तो गायनेम दिखा रही हूँ और कमजोरी के कारण मतलब मुझे आँख में हमेशा पेन रहता है, दर्द रहता है, और मैं बताई सालों साल से मैं सोई नहीं हूँ, बहुत कम सोई हूँ। काम काम काम, पता नहीं क्यों मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ। उतना खाती नहीं हूँ और लेकिन पता नहीं क्यों काम करना मैं मतलब जुनून बांध ली हूँ। तो थोड़ा सा काम भी मतलब करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो के अब काम करना है। तो अब मैं ये सब बता रही हूँ कि जब मैं इस हालत में मतलब मेरा हीमोग्लोबिन कम है, मैं खुद ही ब्लड टेस्ट देती हूँ, लंबी लाइन में लगी रहती हूँ, और मतलब काफ़ी कुछ अगर मैं अकेले कर लेती हूँ, तो फिर मुझे अचानक ध्यान आया और मेरे हाथ भी देखिए टूटे हुए हैं। तो एक हाथ में मेरा ब्लड ब्लड सैंपल लेते हैं, दूसरे हाथ में मैं थैला उठाती हूँ। मतलब इतना होता है। मैं तो देखिए हॉस्पिटल जाती हूँ लेकिन वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। ये थोड़ा बहुत मैं चोरी छुपे बना लेती हूँ जब देखती हूँ कि कोई नहीं है। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि मुझे बस अपने आप को अब पहचानना है। डॉक्टर ने यही बोला कि जो चीज़ आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले, वही काम आप कीजिए। तो जब मैंने यही सोचा, जब मैं अकेले अपना ट्रीटमेंट करा सकती हूँ इस हालत में, जब मुझे दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर मैं हॉस्पिटल का काम, वो भी गर्मी के दिनों में अकेले जब मैं कर सकती हूँ, तो मैं पहले की तरह मतलब सुन लीजिए, मैं पहले की तरह जॉब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं कई सालों से कंसीव नहीं हो रहा था, तो कंसीव होने के लिए मैं घर बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इतने साल लग जाएंगे। मतलब इसी दिल्ली के एम्स में 5-6 साल में बहुत ज़्यादा गई। धक्के खाना तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ सारा सिस्टम से काम होता है, तो सिस्टम से ही मेरा हुआ। और देखिए जब होना होता है तभी सेट होता है। तो फिर मैं दोबारा माँ भी बन गई। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ। अगर मान लीजिए जब मैं बड़ी बेटी 1.5 साल की थी, तब से अगर मैं काम करके अपनी बड़ी वाली बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी की, जो भी हो सकता है, ये देखिए ब्लड सैंपल लिया गया। बार बार जब भी जो डिपार्टमेंट में जाती हूँ, बस आजकल तो हर चीज़ या तो अल्ट्रासाउंड नहीं तो ब्लड सैंपल पे ही डिपेंड होता है, तो वही लेते रहते हैं। और क्योंकि क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है और बार बार ब्लड लेते हैं तो मुझे वीकनेस बहुत हो जाती है, तो मैं साथ में फ्रूट लेके जाती हूँ और बाहर जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ रुक के मैं पहले फल खाती हूँ, उसके बाद मैं फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में या कहीं जाती हूँ। तो हाँ, मैंने अब यही सोचा है कि मुझे अब
किसी से कुछ भी शिकायत नहीं है, और मैं मतलब लोगों को, अपने रिलेटिव को, जो मेरा मतलब एक तरह से कहिए जीना ही हराम कर दिए, या मैं जीना ही नहीं चाहती थी, इतना हद तक मान लीजिए किसी के बातों ने मुझे इतना परेशान किया, और मैं सालों साल लगा दी नहीं भूलने के कारण मैं बहुत अपना ज़िंदगी बर्बाद की। फिर हस्बैंड भी उस हिसाब से मतलब साथ नहीं दिए, और क्यों नहीं साथ दिए, या कोई रिलेटिव, मतलब सब रिलेटिव का मन ऐसा क्यों हो गया, सारा कारण मुझे पता चल चुका है कि मेरे अपने ही लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब सब सवाल जवाब मुझे मिल गया है, तो मैं तो देखिए कर चुकी हूँ माफ़, और माफ़ करने में ही देखिए भलाई है। और सच बोलूँ, एक बार करके देखिएगा, जो भी आपके साथ लोगों ने गलत किया है, अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप ही के लिए भला है, नहीं तो जैसे मेरा खून मतलब चूस लिया, या मेरा खून अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया, ऐसे ही आपका होगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाला का घर गृहस्थी आराम से चल रहा है और चलेगा, बर्बाद हम खुद होंगे। तो मतलब किसी के बातों से घुटने से अच्छा है जो बोल दिया बोल दिया, वो उनका दिमाग, वो उनका मन, किसी के बारे में उनकी आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें अपना भला सोचना चाहिए। तो मैंने बस अब यही सोच लिया कि जितना मैं देखिए हर दिन धक्के खा रही हूँ, गर्मी में अपना इलाज करा रही हूँ, तो अब जल्द से जल्द मैं अब ठीक होना चाह रही हूँ, एक मकसद बना ली हूँ, मुझे बहुत जल्द से जल्द अपना आपको ठीक करना है, और पहले की तरह मुझे जॉब ज्वाइन करना है, और अपनी छोटी बेटी के सारे ख्वाहिश पूरी करनी है। क्योंकि देखिए, एक तो मैं उसको बाहर लेके नहीं जा रही हूँ, मैं चौथी मंजिल में हूँ, मैं नीचे नहीं उतर पाती हूँ, और बेचारी मोबाइल से हर चीज़ खाने पीने के देखती रहती है और बोलती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने बस अब ठान लिया है कि अब मैं कोई किसी से शिकायत नहीं करूँगी, अगर मेरे में क्षमता है तो मैं क्यों नहीं करूँ। क्योंकि जो भी YouTube में काम करते हैं समझ रहे होंगे कि देखिए बहुत टाइम YouTube में भी देना पड़ता है, और घर का काम, हाँ बस एक प्लस पॉइंट है कि साथ में बच्चे को भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन इतना भी मतलब नहीं देख पाते हैं। और अगर इनकम के हिसाब से देखेंगे तो भगवान की कृपा कहिए, मेरे में अभी भी इतनी काबिलियत है कि मैं अकेले, जो भी एक मिडिल क्लास का खर्चा है, खाना पीना पढ़ाई लिखाई बच्चों का, वो मैं सारा का सारा मतलब मुझे इतने पे अभी भी मिल जाएंगे, मैं पता भी कर रही हूँ। मैंने 3-4 महीने का टाइम लिया है ताकि मैं अपना हाथ एक्सरसाइज करके जल्दी से जल्दी ठीक कर सकूँ, और जो भी ये हीमोग्लोबिन विटामिन वगैरह की कमी है, वो सब कुछ मन खुश करके, अपने आप को चेंज करके जल्दी से जल्दी मैं ठीक करूँ और जॉब ज्वाइन करूँ, और पहले की तरह जो मेरा टारगेट था, जो मैं हासिल की, वैसे ही मैं सब कुछ हासिल करूं और अपने आप को खुश रखूं।